वेयरेबल टेक्नोलॉजी की दुनिया में मुंबई के 24 साल के इंजीनियर अक्षय रिडलान ने नई पहल की है। वह प्रोजेक्ट चेतना के तहत QR कोड बेस्ड पेंडेंट बांटकर बुजुर्गों और अल्जाइमर और डिमेंशिया बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद कर रही हैं। जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ा था, जब मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था 2019 में, तो वहाँ पे एक पेज होता था जहाँ पे सब लापता 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 लोगों की एडवर्टाइजमेंट होती थी। तो दैट ट्रिगर्ड मी अलॉट। मूविंग फॉरवर्ड मैंने अपने अपने दोस्तों से सुना कि हमारे कोई रिलेटिव मिसिंग हो गए हैं, तो वो मुझे बहुत दुख हुआ था सुन के, भाई इस 21वीं सदी में जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का इतना यूज कर रहे हैं, फिर भी इतने सारे लोग कैसे गुम हो जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की सहायता से हम कैसे इन लोगों की सहायता कर सकते हैं। एज अ टेक्नोलॉजी पर्सन, एज अ टेक पर्सन, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व विद टू सोसाइटी विद माई एक्सपर्टीज। क्विक रिस्पॉन्स कोड पेंडेंट बुजुर्गों और खासकर बच्चों को खो जाने पर घर का रास्ता ढूंढने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पीपल विद डिमेंशिया और अल्जाइमर, यू नो, दे फेस यूनिक चैलेंजेस एवरी नाउ एंड देन। कभी घर से निकलते हैं, उनको पता नहीं रहता मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं, तो ये QR कोड उनको एक यूनिक वे में हेल्प करेगा। एक टेंजिबल सोल्यूशन है टू सपोर्ट द पीपल विद डिमेंशिया, और सिर्फ उनके लिए नहीं है, तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स है या जो केयर टेकर्स है, उन लोग के लिए भी एक चैलेंज रहता है रोज के रोज की कहा गए हमारे, जो भी जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। लॉकेट में स्लीक डिजाइन होता है जो एक धागे से बंधा होता है। इसके एक बार स्कैन होने पर उसे पहनने वाले शख्स का पता और कॉन्टेक्ट डिटेल पता चल जाता है। आजकल के जमाने में जो चालू है, यानी बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, जैसे कि 75-80 के जो एज के लोग हैं बहुत भूल जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी ये उपलब्धि हो सकती है। क्योंकि मैं प्रोजेक्ट चेतना का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं भी एक सीनियर सिटीजन बनने जा रहा हूँ फ्यूचर में, ये मेरे लिए भी काम में आ जाएगा फ्यूचर में, ऐसे लग रहा है। मुंबई में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों के लिए हुए कार्यक्रम में कई सीनियर सिटीजन को QR कोड बेस्ड पेंडेंट दिए गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बुजुर्ग को पहनना चाहिए, ये बहुत हेल्प करेगा। क्यों, कहीं मैं नियर बाय गया तो ठीक है, मगर आगे कहीं निकल गया या तो मुझे कुछ ध्यान में नहीं रहा मुझे कहाँ जाना है, और ये लॉकेट की वजह से अगर कोई मुझे हेल्प करने वाला मिलेगा तो उसको ये आइडिया आएगा कि भाई स्कैन करूँ तो मुझे आपकी डिटेल मिलेगी, तो इस वजह से मुझे हेल्प मिलेगी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अक्षय का, और ये हमने हमारे रिलेटिव के लिए लिया है क्योंकि वो उनकी मेमोरी थोड़ी चली गई है, उसके लिए लिया, और उसके लिए बहुत मदद करेगा क्योंकि ही इज अ डायबिटिक पेशेंट ऑल्सो, तो उस डायबिटीज में ऐसा भी होता है कि वो बहुत बार बहुत भूल जाते हैं कहाँ जा रहे हैं, ऐसा इसके लिए हमने ये लिया है। थैंक यू वेरी मच प्रोजेक्ट चेतना के तहत QR कोड बेस्ड पेंडेंट मुफ्त बांटे जा रहे हैं। हालांकि इसे स्पॉन्सरों की तलाश की जा रही है जो इस काम में मदद कर सके। फिलहाल करीब 2600 पेंडेंट बांटे गए।